मदरसों पर भगवा बाबा की चढ़ाई, धामिनी उत्तराखंड में ली अंगड़ाई। बहुत सारी जगह पर मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं, इसलिए उसका एक बार सर्वे होना बहुत निदान जरूरी है। यूपी में मदरसों के सर्वे का आगाज चरमपंथी मौलाना बाबा से नाराज। आप सिर्फ एक समुदाय के अनएडेड मदरसों का सर्वे कर रहे हैं, तो टारगेटेड सर्वे है। हमारी कौम के मुस्तकबिल को संवार दे, इन बच्चों के मुस्तकबिल को संवार दे, मुझे बहुत अंधेरा नजर आ रहा है। सर्वे अधिकारियों ने मदरसे के उलमाए कराम को डराया या धमकाने की कोशिश की तो ये अच्छा नहीं होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू कराया तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जोश में आ गए। धामी ने भगवा बाबा की तर्ज पर उत्तराखंड के सभी मदरसों के सर्वे कराए जाने का ऐलान कर दिया। धामी का कहना है कि मदरसों का सर्वे कराना अब जरूरी हो गया है। बहुत सारी जगह पर मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं, इसलिए उसका एक बार सर्वे होना बहुत निदान जरूरी है, जिससे कि सारी वस्तु स्थिति जो है स्पष्ट हो। दरअसल उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड के मदरसों के सर्वे की मांग की थी। शादाब शम्स ने कहा कि उत्तराखंड में बोर्ड के तहत कुल 103 मदरसे हैं और ये जानना बहुत जरूरी है कि उन मदरसों की बुनियादी हालत कैसी है। भगवा बाबा के बाद पुष्कर सिंह धामी के इस पहल पर चरमपंथी मौलानाओं और तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले सियासतदानों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। बेहतरी के लिए मदरसों का सर्वे, सर्वे से क्यों खतरे में इस्लाम? मदरसों के सर्वे के खिलाफ चरमपंथी मौलानाओं और मजहब की सियासत करने वाले नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि ये सरकारें एक खास मजहब को टारगेट करने के लिए मदरसों का सर्वे करा रही है। सबसे ज्यादा भ्रिकुटी तनी है हैदराबादी भाईजान की। अगर सर्वे होना तो प्राइवेट स्कूल का होना चाहिए, मिशनरी स्कूल्स का होना चाहिए, गवर्नमेंट के स्कूल का होना चाहिए, सबका, आरएसएस के स्कूलों का होना चाहिए। आप सिर्फ एक समुदाय के अनएडेड मदरसों का सर्वे कर रहे हैं, तो ये टारगेटेड सर्वे। सर्वे अधिकारियों ने मदरसे के उलमाए कराम को डराया या धमकाने की कोशिश की तो ये अच्छा नहीं होगा। और फिर उलमाए कराम रोड पे उतरेंगे और मुसलमान कौम उनके पीछे खड़ी नजर आएगी और फिर हुकूमत के लिए लाइन ऑर्डर की सिचुएशन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मदरसों के सर्वे उनकी बुनियादी हालात का पता लगाने और उनमें सुधार करने के मकसद से कराए जा रहे हैं और इसी के साथ ही मदरसों के सिलेबस को रोजगार परक बनाने की भी पुरजोर कोशिश है। लेकिन जिनकी दाढ़ी में दिन का वो इस सर्वे का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि सर्वे में क्या क्या जानकारी हासिल की जा रही है। दरअसल मदरसों का सर्वे 12 बिंदुओं पर कराया जा रहा है, इनको आप भी समझिए इनमें क्या है। मदरसे का पूरा नाम, संचालित करने वाली संस्था का नाम, मदरसे की स्थापना का साल, मदरसा निजी इमारत में चल रहा है या किराए के भवन में, इसका पूरा ब्यौरा, छात्र छात्राओं को क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, छात्र छात्राओं की कुल तादाद कितनी है, टीचरों की तादाद कितनी है, मदरसे का सिलेबस क्या है, आमदनी का स्रोत क्या है, मदरसों में पढ़ रहे छात्र छात्राएं क्या किसी और शैक्षणिक संस्थान में नामांकित हैं, क्या किसी एनजीओ या समूह से मदरसे का कोई संबंध है, मदरसा संचालकों की ओर से मुहैया कराई गई जानकारी पर सर्वेयर अपनी टिप्पणी लिखेंगे। तो साफ है कि अगर किसी मदरसे में पढ़ाई की आड़ में देश विरोधी या संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम नहीं दिया जा रहा तो इस सर्वे से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुस्लिम तुष्टिकरण के तवे पर अपनी सियासी रोटी सेकने वाले योगी सरकार की इस पहल से भड़के हुए हैं। दरअसल इस मौके पर वो मुस्लिमों का हितैषी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 70 साल से तुष्टिकरण की राजनीति कर रही कांग्रेस और तुष्टिकरण की बुनियाद पर अपनी सियासत खड़ी करने वाली समाजवादी पार्टी खास तौर पर इस सर्वे का विरोध कर रही है। कोई भी गतिविधि जो है वो कानून के दायरे में रहकर होनी चाहिए। जब कानून और मर्यादा का उल्लंघन होता है तो उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमाण अब दिया जाने लगा है। जो हालात में देखे 2019 से आज तक, उन हालात से मैं बहुत ज्यादा फिक्रमंद हूँ। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारी कौम के मुस्तकबिल को संवार दे, इन बच्चों के मुस्तकबिल को संवार दे।
मदरसे के सर्वे का विरोध करने वालों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि 12 बिंदुओं में किस बिंदु पर उन्हें दिक्कत है। बस उनका एक ही मकसद है कि इस मुद्दे को लेकर मुसलमानों को भड़काया जाए, जबकि कई मदरसा संचालक योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। मदरसों में हम जो सर्वे करा रहे हैं या देख रहे हैं, जो मदरसे रजिस्टर्ड हैं या अनरजिस्टर्ड हैं, और ये भी देखें कि किस जमीन पे बने हैं, उसकी नौयत क्या है, यही सब चीजें देखी जाए। मदरसे के सर्वे के विरोध को लेकर जो मौलानाओं का सम्मेलन हो रहा है, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या मदरसों की हालत में सुधार करना सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या मदरसों में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाना और शिक्षा का स्तर सुधारना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? इसके लिए सरकार अगर सर्वे करा रही है तो विरोध आखिर किस आधार पर किया जा रहा है? और दूसरा ये कि कुछ मदरसों की आड़ में अगर देश विरोधी गतिविधियां चलाई जा रही हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लेना तो जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। देश की सुरक्षा से समझौता कैसे किया जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात करते हैं गुजरात में जारी अजब गजब पॉलिटिक्स की। बीजेपी के 27 साल के शासन को चुनौती देने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले एक महीने से गुजरात में डेरा डाल रहे हैं। मुफ्त के वादों के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात में वो सब कुछ कर रहे हैं जिससे आम जनता को आपके साथ जोड़ा जा सके। कल केजरीवाल अहमदाबाद में एक रिक्शे वाले के घर पर खाना खाने पहुंचे। हालांकि सिक्योरिटी को लेकर उनकी अहमदाबाद पुलिस के साथ नोकझोंक हो गई, जिससे सियासत गर्म हो गई। केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि गुजरात पुलिस उन्हें आम लोगों से मिलने नहीं देती। उनके रिक्शे वाले के घर में खाना खाने से बीजेपी डर गई है। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने कहा कि मुफ्त के सपनों में गुजरात की जनता फंसने वाली नहीं है। अब देखना यह होगा कि गुजरात में दिल्ली वाली पॉलिटिक्स वहां की जनता को पसंद आती है या नहीं। सिक्योरिटी अपने मंत्रियों को दीजिए, मैं जनता का आदमी हूँ। जैसे इन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया, मैं भी इनको निमंत्रण देता हूँ कि ये भी मेरे घर खाने के लिए आए। गुजरात में आपकी दिल्ली सिक्स पॉलिटिक्स। सोमनाथ में भक्ति, ऑटो वाले के घर खाना। पंजाब के बाद केजरीवाल का मिशन गुजरात। पंजाब में झाड़ू लगाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अगला मिशन गुजरात और हिमाचल है। दोनों राज्यों में इसी साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। गुजरात में बीजेपी का सियासी तिलिस्म तोड़ने के लिए आप